हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चौलाई, एमरेंथ या जिसे राजगिरा भी कहते हैं, उसकी हेल्दी रेसिपीज। ये आप नवरात्रि के फास्ट पे भी खा सकते हैं और वेट लॉस के लिए भी खा सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, मैगनीज बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सबसे पहले बनाते हैं एमरेंथ का उपमा। ये होता है चौलाई, इसे आप बाज़ार से लेके आइए। इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार किरकिरापन इसके अंदर होता है, या फिर जो भी सैंड मैंने बहुत सुना है लोगों को जो लेकर आते हैं, इवन ऑर्गेनिक वाले में भी कई बार होता है। इसे वॉश कर लीजिए और बहुत पतली छलनी का इस्तेमाल करें इसे पानी ड्रेन आउट करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे दाने होते हैं। एक कप एमरेंथ यानी चौलाई में हम एक कप और 3/4 पानी ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर धुली हुई चौलाई या एमरेंथ हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया है, 1/2 स्पून से भी ये कम था। इससे ये चिपकते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो। और जैसे ही ये बॉईल होने लगे इसे कवर करके 15 से 18 मिनट तक आप इसे पकाइए। मैं इसे दूसरी गैस पर रख देती हूँ और अभी आपको उपमा बनाना दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। एक पैन में हम लेंगे घी, क्योंकि ये व्रत वाली रेसिपीज़ हैं, मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज आप ऑलिव ऑयल या जो भी कुकिंग ऑयल आप हेल्दी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने डाले हैं जीरा यानी क्यूमिन सीड्स और थोड़े से करी लीव्स। टमाटर रफली चॉप्ड हैं ये। टमाटर के साथ जब हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें ऐड कर देंगे कैरेट्स। नाउ व्रत में बहुत लिमिटेड सब्जियां खाई जाती हैं, सभी सब्जियां आप नहीं खा सकते हैं। आप इसमें आलू भी डाल सकते थे, मैंने नहीं डाले। लेकिन अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप अगर इस उपमा को बना रहे हैं तो सीज़न में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हों, चाहे वो मटर है या फिर कैप्सिकम है, वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए सब्जियों को हम इसे कवर कर देंगे धीमी आँच पर और ये हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें हम डालेंगे रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, टर्मरिक और फिर थोड़ा सा हमने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला। जब इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पकी हुई चौलाई, बिल्कुल जैसे कीनुआ बनता है। कीनुआ भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे चौलाई बिलोंग करती है। प्रोटीन में रिच है ये, फाइबर में रिच है। वेट लॉस के लिए मैं इसे आइडियल मांगती हूँ। आप नॉर्मली इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कीजिए, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ी सी पीनट्स मैंने रोस्टेड इसमें ऐड कर दी हैं, छिलका उसका रिमूव करके, टू ऐड सम मोर प्रोटीन एंड हेल्दी फैट। तो आप इसे इंजॉय कीजिए, व्रत में ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है और ग्लूटेन फ्री है। जिसे ग्लूटेन से प्रॉब्लम है वो भी इसे इंजॉय कर सकता है। दूसरी रेसिपी है चौलाई की या एमरेंथ की स्मूदी। नाउ ये और भी झटपट बनकर तैयार हो सकती है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये कुक्ड, यहाँ पर मैंने आधा कप राजगिरा लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में कुक करके रख लीजिए, उसे यूज़ करते रहिए 2-3 दिन के लिए। थोड़े से इसमें मैंने नट्स डाले हैं और ये है एक बनाना। आप इसमें और फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कोई नट मिल्क जैसे कि आलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, बादाम का जो मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं किसी और फ्रूट के साथ, क्योंकि हर फ्रूट मिल्क के साथ नहीं खाया जाता। तो इसीलिए फ्रूट की चॉइस उसी हिसाब से लीजिए। बनाना एक ऐसा है फ्रूट जिसको आप खा सकते हैं विद मिल्क। थोड़ा सा हनी मैंने ऐड किया, शुरू में कम दूध मैंने डाला क्योंकि ज़्यादा दूध डालने से वो चंक्स या फिर वो लम्प्स रह जाएंगे स्मूदी के अंदर। हमारी स्मूदी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा इजी बनाने में। इसे हमने गार्निश कर दिया है, आप इसे इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट है हमारा एमरेंथ का इंस्टेंट पुडिंग। अगेन आपको चाहिए क्या इसके लिए, प्री कुक्ड राजगिरा। जैसे हमने राजगिरा को पकाया था ज़्यादा क्वांटिटी में पकाइए और ऐसे उसकी रेसिपी आप आगे बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो इसे शाम को या रात को बनाकर भी रख सकते हैं। ये है फूल मखाना। फूल मखाना आप व्रत में खा सकते हैं और इसे हम लेयरिंग में डाल रहे हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, थोड़े रेजिन्स डाले हैं, ये है कटा हुआ केला। आप इसमें कैरेट्स भी डाल सकते हैं घिसकर। पूरी सारी चीज़ों की एक और लेयर हम बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी पुडिंग बनती है। अगर आप मॉर्निंग में खा रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी 15 मिनट आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए ताकि जो पूरे फ्लेवर्स है वो ऊपर से नीचे तक चले जाएं। जो फ्रूट का फ्लेवर है वो आपको हर बाइट में मिले, जो नट्स का फ्लेवर है वो आपको हर बाइट्स में मिले
रेजिन्स हमने डाले हैं और सबसे ऊपर हम डालेंगे शहद। 15 मिनट के अंदर वो शहद भी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा तो आपको उसका भी फ्लेवर भी आएगा। और जैसे मैंने कहा, अपनी चॉइस के फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइड बेरीज हैं वो आप डाल सकते हैं। गाजर तो बहुत ही टेस्टी लगती है, फ्रिज में आप इसे रखिए और सुबह से इंजॉय कीजिए। अमेजिंग एक और हेल्दी इंस्टेंट रेसिपी। एक और चीज़, आप घर पर चौलाई को पफ भी कर सकते हैं। पफ के साथ साथ आपके पास और भी ऑप्शन हो जाएंगे। इसे पफ करना या पॉप करना बहुत आसान है। जब कढ़ाई आपकी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो महज एक चम्मच आपको लेना है और बैचेस में इसको पफ करना है। अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तब भी ये पफ नहीं होंगे, और अगर बिल्कुल गर्म नहीं होगी तब भी, तो आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। उसे लगातार हिलाता रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हिलाना है कि वो पफ ही ना हो पाए। हल्का हल्का उनको करना है। मैंने उसे कवर किया है क्योंकि वो कैमरे पे आके लग रहे थे। तो ये हमने पफ कर दिया है हमारे राजगिरा को, और बैचेस में करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक बार डालोगे तब भी नहीं होगा, तो आपको क्वांटिटी इसकी बहुत ध्यान से डालनी है पफ करने के लिए। और ये 5 times जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी क्वांटिटी देखिए, हमने एक टेबल स्पून ऐड किया है, और ये पूरी कढ़ाई किस तरह से ज़्यादा दिख रहा है वो पफ होने के बाद। तो पफ करना बहुत आसान है, और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका आप क्या करें। पफ करने के बाद इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की तरह इसे इंजॉय कीजिए। जब ठंडा हो जाए इसे इस तरह से एक जार में, आप स्टील का जार यूज़ कर सकते हैं, भर के रख दीजिए। और फिर ब्रेकफास्ट में, ऑफिस के लेट हो रहे हैं, फास्ट किया है आपने, खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि आप वर्कआउट जैसे मैंने कहा स्किप नहीं करना है, तो आप इसके अंदर डालिए दूध और थोड़े से फ्रूट्स अपनी पसंद का, और इसे इंजॉय कीजिए। ये मैंने किनुआ भी साथ में दिखाया है पफ करके, ये रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बेसिकली किनुआ, जैसे मैंने कहा, चौलाई वाली फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अभी भी श्योर नहीं हूँ मैं कि इसे फास्ट में खाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये सीड्स, ये बेसिकली ग्रे नहीं, एक सीड की कैटेगरी में आते हैं। और जब मैंने पंडित जी से भी पूछा तो उन्हें भी श्योर नहीं, क्योंकि ये इंडिया का प्रोड्यूस नहीं है, ये मेक्सिको में, पेरू में ज़्यादा होता है। तो जो लोग अभी तक इसको शुरू नहीं किया है, इंट्रोड्यूस नहीं किया था डाइट में, अगर वो चाहें तो फास्ट में शुरू कर सकते हैं। आप इससे चौलाई के लड्डू भी बना सकते हैं पफ करके। ये घर में मैंने पफ किया था, इसमें थोड़े नट्स डाले और फिर मेल्ट करके जागरी डाला, और ये बन गए चौलाई के लड्डू। थोड़ा सा एक एक रेजिन्स मैंने डाल दिया है फॉर दैट सरप्राइज फ्लेवर। तो आप घर पे चौलाई के पफ करके लड्डू भी बना सकते हैं। तो इस व्रत में हर तरह से इंजॉय कीजिए। ये चौलाई की 4 हेल्दी वैरायटी की रेसिपी मैंने आपको दी हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगी 24 और रेसिपीज़ व्रत से रिलेटेड। मखाना रेसिपीज़ हैं, साबूदाना की खिचड़ी की हमने रेसिपी दी है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, और बिल्कुल चिपकेगी नहीं ये साबूदाने की खिचड़ी आपस में। फिर क्रीमी सैलड की रेसिपी हमने शेयर की हुई है, ये स्मूदी की रेसिपी है। ये सारी रेसिपीज़ जो है हमने प्लेलिस्ट बनाकर व्रत की, जो नवरात्र के फास्ट में आप खा सकते हैं। ये नमकीन की रेसिपी है, साउथ इंडियन थाली की हमने रेसिपी शेयर की थी, जहाँ पर डोसा, इडली, चटनी की रेसिपी है। ये चिल्ला है, आप कैसे सिंघाड़े के आटे से और गाजर से चिल्ला बना सकते हैं। डोसा व्रत में आप खा सकते हैं, कौन सा डोसा, इडली खा सकते हैं। व्रत किया है, बाहर जाकर खाना व्रत की थाली से अच्छा है कि आप घर पे ये सारी चीज़ें बनाएं, ताकि पूरी फैमिली उसको एंजॉय कर सके। हमने समक के राइस की खीर भी शेयर की थी, जिसमें हमने जैगरी डाला था। तो आई होप आपको ये सारी रेसिपी पसंद आएंगी। सारी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।